हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। जैसे ही आप लोग लाइव आएंगे, आज हम 1857 का जो रिवोल्ट है, यानी कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो करने वाले हैं। इसके अंदर हम इसका स्वरूप देखेंगे कि इस रिवोल्ट में कौन कौन शामिल था। इसमें हम ये देखेंगे कि इस रिवोल्ट में क्या हुआ। थर्ड पॉइंट हम ये देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये फेल क्यों हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि किसने कहाँ पर अटैक किया, और मंगल पांडे जी के बारे में भी इसमें देखेंगे कि उन्होंने किसकी हत्या की थी, मंगल पांडे जी ने किसको इसमें मारा था, वो हम रिवोल्ट में पढ़ लेंगे। और इसका जो प्रोसीजर था, कब ये शुरू हुआ था, एक्चुअली 31 मई को प्लान हुआ था, किसने एक दिन पहले रिवोल्ट कर दिया और क्यों कर दिया, आज सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे 1857 के विद्रोह के बाद। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप ये लेक्चर एक बार देख लें, जब आप इस लेक्चर को कंप्लीट देख लें, उसके बाद ऑनलाइन जाकर आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिएगा 1857 का जो रिवोल्ट होगा, उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन जो होगा मिस नहीं होगा, इतनी मेरी गारंटी है। बस आपको ये जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना है। इसके बाद आप ऑनलाइन जाकर कुछ भी चेक कर लीजिए, 1857 के रिवोल्ट से लेकर जो भी आपका क्वेश्चन होगा, ए टू जेड क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं इसमें 1857 के साथ साथ 1824 में जो भी हुआ था वो भी जोड़ूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जब 1857 का विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, उस टाइम पे इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पैमिस्टन थे। जब वहाँ पर रिवोल्ट हो रहा था तो वहाँ पर पैमिस्टन थे, और उस टाइम पर जब रिवोल्ट हुआ 1857 का, जो गवर्नर थे वो हमारे लॉर्ड कैनिन थे, और जो हमारे सेनापति थे वो जॉर्ज एनीसन थे। ठीक है, सेनापति जो थे वो कंप्रेस करते, जो सेनापति जो थे उनको दबाया जाता था लैंप बेल की वजह से। और जो ये प्लान था पूरा 1857 का, जो विद्रोह का षड्यंत्र जिसने रचा था, वो दो इंसान थे, अजीमुल्ला खां और रणोजी ने, जो कि इन्होंने प्लान बनाया था मिलकर लंदन में। पर अगर उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो उसमें आपको लखनऊ टिक करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ये मानता है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसका जो षड्यंत्र रचा गया था वो लखनऊ के अंदर किया था। तो पहला इंसिडेंस क्या हुआ था, पहला इंसिडेंस 1857 के रिवोल्ट में क्या हुआ था, 29 मार्च को 34 NI बटालियन मरता नॉर्थन इन्फेंट्री, मतलब कि पैदल जो सेना होती है उसको इन्फेंट्री बोलते हैं, जो कि मंगल पांडे की थी, तो वो बैरक छावनी में थी। ठीक है, और जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था इसका क्या हुआ था, जो टाट्या टोपे थे उनको फांसी चढ़ा दिया गया था। इसको पॉलिटिकल रिवोल्ट किसने बोला है, बहादुर शाह जफर ने, बहादुर शाह जफर ने इसको पॉलिटिशियन, मतलब जो इनका जो मेन जो पॉलिटिक्स थी इसकी, रिवोल्ट की दिमाग जिसका था वो बहादुर शाह सफर थे, मगर जो प्लान था वो अजीमुल्ला खां और रणोजी बाकू का था। फिर देख लेते हैं कि क्या था पहला सैनिक विद्रोह, किसको बोलते हैं, जो ड्यूरिंग बक्सर बैटल फ्रॉम हेक्टर्स मुंड्रो आर्मी सम डिड रिवोल्ट बाय इंडियंस। तो पहला सैनिक विद्रोह उसको बोला जाता है जब हमारे इंडिया की जो आर्मी थी उन्होंने विद्रोह कर दिया था। सेकंड, इसको सिपाही म्यूटनी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वैसे हिंदी के अंदर सैनिक विद्रोह बोलते हैं, सिपाही म्यूटनी। सेकंड हुई थी 1806 के अंदर, वेलोर विरुद्ध वाज सैनिक विरुद्ध एज वेल इन तमिलनाडु रिफ्यूज टू वियर टोपी। एक्चुअली क्या था कि जो लेदर की टोपियाँ थी उनको दे दिया गया था आर्मी वालों को पहनने के लिए, तो उन्होंने वो मानने से मना कर दिया था, और उनको ये बोला था कि आर्मी के अंदर आप तिलक नहीं लगाओगे पंडितों को। और तीसरा जो हुआ 1824 के अंदर हुआ, जब लॉर्ड एमहर्स्ट थे, इंडिया जो थे बार्बर बैटल के अंदर था, और इस टाइम पे इंडिया की जो सी बोलते थे कि आर्मी को अगर तुमने सी क्रॉस कर दिया तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन रॉय पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने इसको तोड़ा था, जो कहाँ गए थे, ब्रिसल्स गए थे। ठीक है, वी डी भास्कर ने इसको बोला सबसे बड़ी बैटल इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, और वी डी भास्कर ने बुक लिखी रोड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में। अब इसका प्लान देख लेते हैं क्या था 1857 का विद्रोह पूरा। लॉरेंस
सिलेट, ट्रेवलियन, मेल्सन और होम्स ने इसको सिपाही म्यूटिनी बोला, यानी कि सैनिक विद्रोह बोला। सर सैयद अहमद खान और दुर्गदास बंधु उपाध्याय ने इसको भी सिपाही म्यूटिनी बोला, मतलब इन्होंने भी इसको सैनिक विद्रोह बोला। सर सैयद अहमद ने कौन सी किताब लिखी थी? एन एसे ऑफ कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। अब देख लेते हैं किसने इसको क्या बोला। एक्चुअली इसके अंदर अगर आप एसएससी और छोटे मोटे एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप बड़े एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है याद करना ही पड़ेगा, और ये सब करते हैं आप कुछ स्पेशल नहीं करेंगे। ईआर रेज ने बोला कि धर्मांधो पीपल अगेंस्ट क्रिश्चन। होम्स ने बोला बर्बरता एंड समुक्ता का युद्ध है। आउट्रम और टेलर ने बोला हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। अशोक मेहता ने लिखा ग्रेट रिबेलियन और इसको नेशनल विद्रोह बोला। बेंजामिन डिसरेल ने इसको नेशनल विद्रोह बोला ब्रिटेन की संसद में 1857। ये बुक का नाम है 1857, जो कि एस एन सेन ने लिखी है, जिसको इंडिया की गवर्नमेंट ने ही निर्युक्त किया था। शशि भूषण चौधरी ने लिखी सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनी। इन्होंने इसको विद्रोह भी बोला, सांस्कृतिक विद्रोह भी बोला। फिर आते हैं कॉजेज ऑफ रिवोल्ट। कॉजेज क्या थे, इनके कारण क्या था 1857 के विद्रोह का। जो पहला कारण था 1857 के विद्रोह का वो था पॉलिटिकल रीज़न, क्योंकि 1803 में लॉर्ड एमएस जो थे पहले थे जिनको दर्जा मिला मुगल राजा का, और डलोजी ने हड़प नीति शुरू कर ली थी, सबकी ज़मीन थी वो हड़प लिया करता था। तो एक बार अगर आप बड़े एग्ज़ाम देख रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या क्या हड़पा। एस एस बी जे यू जे एन का फॉर्मूला होता है, एस एस बी जे यू जे एन, सतारा, संभल, बघाट, जैदपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ये कह रहा 48 में, ये भी 48 में, ये 49 में। फिर जैदपुर 50 में, उदयपुर 52 में, झांसी 53 में, फिर नागपुर 54 में। दे ऑल द किंग ऑफ दिस एरिया वर अडोप्टेड। यहाँ के जो भी नेता थे, किंग जो थे यहाँ कर, सारे के सारे किंग गोद लिए हुए थे, इसलिए ही उन्होंने इनकी जो थी ज़मीन थी वो हड़पी की थी। वो चाहते थे कि पूरा अवध इनसे छीन लें। फिर क्वाट्रम कमिटी वॉज मेड। कुशरंग का आरोप लगाया गया वाजिद अली खां पर और उनको मार दिया गया। उसके बाद जो हेनरी लॉरेंस थे इनको चीफ बना दिया गया अवध का। फिर ये बहुत गर्म मुद्दा बन गया, करौली आफ्टर दैट वाज एक्वायर्ड बाय, एंड फिर उनको वापस भी दे दिया गया। फिर क्या हुआ, सेकंड रीज़न देखते हैं क्या था, इकोनॉमिक रीज़न। दादा भाई नौरोजी ने बोला पॉवर्टी और ब्रिटिश रूल जो था वो इसका रीज़न था। सोशल रीज़न क्या था इसका, विडो रीमैरिज। इन्होंने क्योंकि अंग्रेज़ आए तो उन्होंने बोला विडो रीमैरिज शुरू करो, और लैक्स लॉ की रॉ 1850 के अंदर आते हैं, जिसको धर्म अज्ञेयता अधिनियम भी बोलते हैं, ठीक है। और जो थर्ड रीज़न था वो था, आपने ये वाला रीज़न तो सुना ही होगा कि इनको पता चला कि इंडियन आर्मी को जो भी बंदूक दी जा रही है वो कारतूस मुँह से खोलते थे, और वो जो था गाँव जो काव था उनके फ्लैश से बना था। तो ये बात मंगल पांडे जी को जैसे पता चली उन्होंने एक्शन लिया और लेफ्टिनेंट बाघ को गोली मार दी। पर 8 अप्रैल को पांडे जी को, मतलब कि आपके मंगल पांडे जी को फांसी चढ़ा दिया गया। फिर अजीमुल्ला खां और रणोजी बापू ने एक वो बनाया इसका, जैसे सीक्रेट कोड जो होता है, सीक्रेट कोड में क्या रखा, एक रोटी ली और कमल का फूल लिया। कमल का फूल सबको पास करता गया हर राज्य में, कि जिसके पास कमल का फूल पहुंचता गया मतलब वो अलाउड है। और रोटी गई, रोटी जिसको रोटी देते थे घूम के आती थी उनके पास, तो मतलब कि सब तैयार हो चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ, 10 मई को मेरठ में कदम सिंह जो थे बिल्कुल इंतज़ार करना नहीं चाहते थे। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसी तारीख को ना हल्ला बोल दिया उनके ऊपर, और 11 मई को दिल्ली पहुँच गए। जैसे ही उनको पता चला अंग्रेज़ों को, तो बहादुर शाह जफर को लाल किले में बंद कर दिया, और 12 तारीख को ब्रिटिशर ने बहादुर को रंगून ले आए, जहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी बाद में। अब एक बार देखते हैं कहाँ पर क्या हुआ था। लखनऊ के अंदर किसने करा था, बेजम हजरत ने रिवोल्ट करा था, कांप बैल ने इसको कंप्रेस करा था मतलब दबाया था। कानपुर में ताक्या टोपे ने करा था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने करा था,
अलाहाबाद में लियाकत अली खान ने करा था, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने करा था, बरेली में खान बहादुर खान ने किया था, मानसौर में फिरोज शाह ने किया था, असम में मानीराम दत्ता और कांत पेशवार सिंह ने करा था, ओडिशा में साही बंधु ने करा था, कुल्लू में राणा प्रताप ने करा था, राजस्थान में दयाल बंधु ने करा था, गोरखपुर में गजाधर सिंह ने करा था, गफाधर सिंह ने, संभलपुर में सुरेंद्र शाही ने करा था, और मथुरा के अंदर जो 1857 का रिवोल्ट शुरू करा था वो देवी सिंह जी ने शुरू करा था। उसके बाद जो साउथ इंडिया में शुरू करा था वो तंजावुर, सतारा और कोल्हापुर के अंदर हुआ। फिर रीज़न देखते हैं कि 1857 का विद्रोह जो था फेल क्यों हुआ। पहला जो उनका गवर्नर था कैंपबेल बहुत अच्छा था काम करने में, और उसके बाद हमारे जो इंडिया के राजा थे उन्होंने साथ नहीं दिया ठीक से, कश्मीर के गुलाब सिंह, पंजाब के सिख किंग, हैदराबाद के सलटगंज, भोपाल के बेगम, नेपाल के जंग बहादुरों ने धोखा दे दिया, और हमारे पास कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं था लड़ाई झगड़े करने का, और एजुकेशन लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और जो फार्मर थे, फार्मर क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत थे पर उन्होंने ज्वाइन नहीं करा था फार्मर्स ने। तो इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस लिख ले एक बार ये देखें। विक्टोरिया ने घोषणा पत्र दे दिया जिसको कैनिंग ने पढ़ा अलाहाबाद के अंदर, और ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई। गवर्नर जनरल को रिप्लेस करके वायसराय बना दिया, और नया जो क्राउन था वो शुरू कर दिया, हड़प की नीति बंद कर दी, और इन्होंने क्या करा जो यूरोपियन आर्मी है उसके अंदर रेशियो बना दिया 5:1 का, मतलब जो 5:1 का रेशियो था कि 5 इंडियन 1 यूरोप, अब उसको चेंज करके 2:1 कर दिया कि 2 हिंदू और 1 यूरोपियन। तो आपका 1857 का रिवोल्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसको दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, और उसके बाद ऑनलाइन जाकर टेस्ट सीरीज़ खोलना, उसमें लिख कर देखना कि 1857 के रिवोल्ट के क्वेश्चन, और आपका एक भी क्वेश्चन इसके बाद नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच।